हेलो गाइस, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SWA एंड एक्सपेरिमेंट। गाइस, आज की इस एक्सपेरिमेंट वीडियो में हम बनाने वाले हैं एयर कैनन और आपको बनाकर दिखाएंगे एयर कैनन किस बेस पे काम करता है और यह किस तरह बनता है और चलाकर भी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला अगले जो मज़ेदार वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, इस कड़ाके भरी ठंड में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हम अपने एयर कैनन को फटाफट अंदाज में बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को और उसमें क्या क्या प्रयोग होता है और किस प्रकार बनता है हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, अपने एयर कैनन को बनाते हैं। पहले चाहिए यहाँ पे 110 mm का पाइप जो 4 इंची का है और ये लगभग 2 फीट चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे है 2 इंच का PVC पाइप और लगभग ये 3 फीट की चाहिए। और इसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें जो रेड्यूसर का काम करेगा हमारे एयर कैनन में यह इसकी ज़रूरत पड़ेगी कनेक्टर की। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा एंड कैप यहाँ पे यहाँ से पीछे बंद करने के लिए हमें यहाँ पे एंड कैप चाहिए। इसके बाद से हमें ज़रूरत पड़ेगी एक गैस लाइटर की। तो गाइस, हमने इसका से बराबर कर लिया है और इसके बाद से इसमें हम जो हमारा रेड्यूसर का वर्क करेगा और जो कनेक्टर है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको बढ़िया से यहाँ पे हमारा रेड्यूसर लगकर तैयार हो गया है। और हम इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पे जो 2 इंच वाला पाइप है इसको लगाएंगे और इसको हम इसके ऊपर से कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ से हमारा आधे से ऊपर कैनन बन के हो गया है तैयार। और इंड कैप में हमने इस लाइटर के इतना होल कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे देखिए, इसके एकदम बैठने भर के अच्छे तरीके से इसमें हमने होल कर दिया है लाइटर को। और इसके हम इंड कैप को अच्छे तरीके से इसको हम लगा देंगे। गाइस, हमारा एयर कैनन बन गया है और इसको अब हम प्रोफेशनल लुक देने के लिए यहाँ पे हम इस PVC पाइप के मदद से इसको हम इसके ऊपर स्कोप बनाएंगे। तो चलिए, इसको स्कोप के आकार में देने के लिए हम इसको कुछ फेविक्विक के माध्यम से चिपका देते हैं। एयर कैनन बन के हो चुका है रेडी। अब इसकी है हमें टेस्टिंग की, अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो हम अब करते हैं पहले इसकी टेस्टिंग और देखते हैं हमारा एयर कैनन काम करता है अच्छे से कि नहीं। अब इसमें ट्रिगर के रूप में यहाँ पे हमने लाइटर का प्रयोग किया है, गैस लाइटर का। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें बिना फ्यूल के हम कैसे इसको चलाएंगे, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, इसमें फ्यूल के रूप में हमने कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया है। हमने फ्यूल के रूप में यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड को ले लिया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप, यहाँ हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड को लिया है और इसको हम अब बारीकी से थोड़ा पीस लेंगे और उसके बाद से इस एयर कैनन के अंदर डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और हमारा एयर कैनन फाइनली एकदम पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा फायर करने के लिए। चलिए हम लोग डालते हैं इस कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े को, ज़्यादा नहीं, अगर हम इस कैल्शियम कार्बाइड के ज़्यादा टुकड़े को इसमें डाल देंगे तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है और आपकी जान के लिए जोखिम भी हो सकता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इसको अगर चलाएंगे तो आप लोग बढ़िया से केयरफुली के साथ चलाइएगा। इसमें से केवल थोड़ा सा ही टुकड़ा इसमें हम डालेंगे। तो चलिए इसमें हम डालते हैं और इसमें हम अपना टेस्ट करते हैं हमारा एयर कैनन अच्छे से वर्क। कैल्शियम कार्बाइड के यह जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको डालते हैं। डालो,
गाइस यहाँ पे हमारा एयर कैनन अच्छे से वर्क कर चुका है गाइस। अब इसको एक बार और हम इसका टेस्ट करेंगे, देखते हैं इसकी आवाज कितनी तगड़ी है। ओ भाई, हमारा जो एयर कैनन है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और इसमें इसमें हमने यहाँ पे एक कील का प्रयोग किया है और इसके साथ है हमारा पेपर का बनाया हुआ बॉल, इसके अंदर हम डालेंगे और उसके बाद से देखेंगे हमारा जो एयर कैनन है उसका जो आवाज़ है कितना तगड़ा आ रहा है। और हम आपको बता दें कि हमारे जो खेत फसल बोए जाते हैं उनमें बहुत सारे इस समय नीलगाय और पशु पक्षी आते रहते हैं और हमारे फसलों को नुकसान कर देते हैं। इसी के लिए हमने यह एयर कैनन को बनाया है जिससे कि हम उस पशु और पक्षियों को भगा सकें और हमारे फसल को नुकसान न पहुंचाए। तो गाइस हमारे जो पशु और पक्षी ज़्यादा डेंजरस होंगे तो उनको हमने भगाने के लिए यह जो पेपर का बाल बनाया है उसको इसमें डालेंगे और उसके बाद से इसे एयर कैनन से उसको भगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उनको चोट भी लगेगी तो नॉर्मल मतलब उन लोगों का नुकसान नहीं होगा। इस एयर कैनन को अंदर डालेंगे और कैल्शियम कार्बाइड को डालेंगे, पानी को डालेंगे, उसके बाद से हम एयर कैनन को देखेंगे कि इसका आवाज़ कैसा है और कैसे वर्क कर रहा है। तो हम गाइस इसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा है। हमारी टीम है जो हमारे बड़े भैया है और ये भी हमारे बड़े भैया हमारा बहुत साथ देते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से अपना वर्क करते हैं। गाइस आप लोग का काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्यों भाइयों, बनता है ना एक लाइक? एक लाइक बनता है, एक लाइक बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस इसमें हमारा कैल्शियम कार्बाइड जा चुका है और इसके अंदर हमने पानी को भी डाल दिया है और हमारा ये है बॉल, इसके अंदर डालते हैं और वो देखिए गाइस हमारा जो बॉल है वो बहुत तेजी से बहुत दूर जाके गिरा है। तो गाइस हम आपको बता दें कि अब हमारा एयर कैनन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमारा आपसे यही अंत में कहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों भाइयों, बनता है ना एक लाइक? एक लाइक बनता है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई मेरे भाई बहुत छोटा भाई बहुत मेहनत कर रहा है भाई, कुछ सपोर्ट कीजिए भाई साहब। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।